हेलो फ्रेंड्स, खा पी लो किचन में मैं भारती भावसार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ गया गर्मियों का राजा जो है आम का जूस। इसके बिना तो हर घर अधूरा है और ये हर घर में अब तो बनने वाली रेसिपी हो गई है। कई लोगों को बनाते नहीं आता है तो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ। तो ये मैंने जो है दो आम काट लिए हैं, ग्राम में ये 700 ग्राम आम है। इसको मैंने छिलका उतार दिया है और इसको मैंने इस टाइप से काट लिया है। आप ऐसे ही कैसे भी काट सकते हैं क्योंकि हम इसको मिक्सर में पीसना है। एक मिक्सर जार लेंगे और इसको जो है मैंने इसमें डाल दिया है सारा, और एक कटोरी मैंने शक्कर डाली है। आप आम के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चुटकी भर मैंने इसमें नमक डाला या 1/4 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें हम पानी यूज़ नहीं करेंगे तो मैंने इसमें जो है बर्फ़ डाल दिए हैं, आइस क्यूब होते हैं वो हमने डाल दिए हैं। तो मैंने 5-6 आइस क्यूब डाल दिए हैं। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट यदि आप आइस क्यूब डालते हैं तो ये पानी पानी सा नहीं लगता है, जो आइस है अच्छे से ठंडा भी हो जाता है जूस और टेस्टी भी लगता है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास दूध। पूरा 1 गिलास डल जाएगा। मैंने 700 ग्राम आम के हिसाब से ये पूरा मेज़रमेंट किया हुआ है। आप गाढ़ा पतला और जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये मैंने पीस लिया अच्छे से, बढ़िया इसको जो है पीस लेना है। तो ये देखिए कुछ जूस इस टाइप का बन गया है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लगता है। और यदि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पतला करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको सेवई के साथ सर्व करूँगी। इसलिए मैं हल्का सा 1/2 कप दूध और डाल दिया है और 2 आइस क्यूब और डाल देंगे, बस 2 या 3 डाल सकते हैं। आप थोड़ा और लिक्विड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें पानी ना डालें, आइस क्यूब भी डालें। और इसमें इलायची भी डाल सकते हैं और जो भी आपको फ्रूट पसंद है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए बनकर हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप बिल्कुल ऐसे खाएंगे और इस टाइप से बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए हमारा जो है जूस बनकर रेडी हो गया है और अब ये इसको मैं सर्व कर देती हूँ। तो एक कटोरी ले लेंगे, उसमें हम जो है सर्व कर लेंगे। और बढ़िया, आप ठंडा ठंडा रहेगा क्योंकि आप इंस्टेंट बनाकर खा सकते हैं। अपन ने आइस डाला है तो ठंडा ऑलरेडी ये हो ही जाएगा। अब मैं ऊपर से डेकोरेट कर देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट से। तो मैंने इसमें जो है किशमिश डाल दी है, ब्लैक किशमिश डाल दी है, बादाम डाल दिया है और थोड़ा सा जो है किसा हुआ नारियल डाल दिया है। कितना बढ़िया लग रहा है। थैंक यू वॉचिंग। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।